आदिल चीफ गेस्ट सर यूसुफ पठान लियो से मिलते हुए मेंटो सर्किल कैप्टन कामरान ये कैप्टन है हमारे मेंटो सर्किल के हम्माद ये टॉस हो रहा है टॉस जीत ले यहाँ पे मिडलो से खेलने और पहले बल्लेबाजी चुनी है देखिए मैच तैयार है होने के लिए पहली बॉल कराएंगे आदिल भाई बहुत ही तगड़ा मैच पहली बॉल सामने पर आदिल भाई की पटकी हुई बॉल खेलना चाहते थे पूरी तरीके से बीट हुए उनके लगे शरीर पे पहली बॉल डॉट काफी तगड़ा मैच होता हुआ यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मैच और ये दूसरी बॉल ओवर की और ये देखिए पटकी बॉल की वाइड बॉल अपने इमरान भाई एम्पायरिंग करते हुए बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं अलीगढ़ के वाइड सीनियर प्लेयर हैं बहुत और ये देखिए एक बार फिर आदिल भाई और ये देखिए इसके पास शॉट मारा है ऑफ स्टंप की जाने और ये चार रन बहुत ही तगड़ा शॉट मारा है यहाँ पे भाई ने बल्ले से निकलता हुआ आदिल चले सामने एक बार फिर आदिल भाई और ये देखिए पट्टी बॉल थी और वाइड बॉल काफी अच्छी कीपिंग भाई की बहुत ही ऊपर चली गई और ये देखिए एक बार आदिल भाई ये बहुत अच्छी बॉल थी और काफी अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पर पहला विकेट लेते हुए आदिल भाई बहुत अच्छा कैच पकड़ा है कीपर भाई ने खिलाना चाहिए बहुत तगड़ी बॉल थी ऐसा लग गया सुई हुई थी बॉल वाली और ये पहला विकेट गिर चुका है और देखिए अब आए हैं फरहान भाई आदिल चलो सामने फरहान आदिल भाई और ये देखिए पहले ओवर पर एक और सिंगल सेकंड स्लिप की दिशा में अच्छी बॉलिंग कराते हुए यहाँ पर आदिल एक रन भाग के पूरा किया और एक बार फिर आदिल भाई आदिल चले सामने है सरजी बहुत अच्छी बॉल लीव करते हुए सरजील भाई तगड़ी बॉल डालते हुए आदिल भाई अकेडमी करते हैं ही थोड़ा बाउंस काफी अच्छी बॉल कराते हुए और एक दफा फिर सामना करेंगे सुजील भाई आदिल भाई का सामने सरजील और ये देखिए फुल टॉस गेम थी फुल टॉस बॉल खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा लेकिन इस बॉल का रोक लिया यहाँ पर युवा की समाप्ति और ये एक ओवर की समाप्ति 7 रन एक ओवर में और ये देखिए अब रिहान भाई बॉल कराएंगे फरहान भाई को दूसरा ओवर पहली बॉल और देखिए पटकी बॉल थी और एम्पायर का इशारा वाइड गेंद काफी अच्छी एम्पायरिंग होती थी और एक दफा फिर और ये देखिए काफी तगड़ी बॉल दौड़कर बॉल काफी गति से बॉल आई थी ये वाली बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करते हुए रिहान भाई और दूसरी बॉल सामने है फरहान खेलने की कोशिश कर रहे थे खेलने के ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे लाइन को मिस किया गेंद काफी अच्छी बॉल थी ये वाली भी वहीं रुक गई रॉबिन का और अब देखिए स्ट्राइक पे आए हैं सरजील भाई जो कि 13,000 रन बना चुके हैं एमयू की तरफ से और ये देखिए फुल टॉस गेंद कैच ड्रॉप यहाँ पर मिसफील्ड होती हुई थोड़ी बहुत काफी अच्छा शॉट मारा था लेकिन काफी अच्छी क्रिकेट होती हुई यहाँ पे बहुत तगड़ी बॉलिंग कराती हुए रॉबिन भाई और ये देखिए बहुत अच्छी गेंद एक और फुल टॉस बॉल थी डॉट बॉल बहुत तगड़ी बॉल डालते हुए रिहान भाई और ये देखिए एक और ये देखिए रन आउट होने का पूरा मौका और यहाँ पर रन आउट होते हुए सरजील भाई मिसअंडरस्टैंडिंग ये देखिए खुदी की कॉल थी खुदी भाग पड़े एक और विकेट मिल तो सर्किल का रन आउट के रूप में सरजील बहुत अच्छी फील्डिंग करी यहाँ पर और अब सरजील भाई की जगह आए हैं इमरान टीम की तरफ से दूसरा तगड़े बैटिंग करते हैं ये भी अपना आदिल भाई पहली बॉल अच्छी तगड़ी बॉल लेकिन वाइड बॉल एम्पायरिंग अपने नहीं करते हुए और एक दफा फिर आदिल भाई और ये देखिए
फुलतौस बॉल थी, काफी अच्छी बिल्डिंग आएगी। शॉर्ट बॉल और आदिल भाई तगड़ी बॉल डालते हुए यहाँ पे, और ये देखिए नो बॉल, एम्पायर का डिसीजन नो बॉल। ओहो बहुत अच्छी फील्डिंग करी यहाँ पर यार मैंने, नो बॉल यहाँ पर। और देखते हैं अब इस बॉल पर पर क्या होता है, कितना फायदा उठा पाएंगे रेहान भाई, सॉरी फरहान भाई। डेफिनेटली दो रन बचाए अपनी टीम के लिए उन्होंने, आउट नहीं हो सकते हैं। और फ्री हिट पर देखते हैं कितना फायदा उठाएंगे फ्री हिट का, और ये देखिए उठा के मारा है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मार दी बॉल, ये डॉट बॉल, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए फरहान भाई। कोई रन नहीं, और ओवर की तीसरी बॉल आदिल चले, बॉल की बहुत अच्छी बॉल, एक और डॉट बॉल, बॉल बाहरी किनारा लेके अच्छी बॉलिंग कराती हुई वाली टीम, डीपीई क्रिकेट एकेडमी की बॉलिंग करते हुए बहुत तगड़ी। आदिल मिंटू सर अभी तक दबाव में रखा है फरहान, और आदिल भाई दौड़ना शुरू किया बॉल, और ये देखिए एक और अच्छी बॉल मारना चाहते थे, आउट स्विंग बॉल कराई थी वाली, एकेडमी करते हैं ये मेरी तरफ से ही और ओवर की लास्ट बॉल है ये, और ये देखिए इस पे एक रन बनाता हुआ भाई के रूप में कर लिया इस तरह से, और अब आदिल भाई का सामना भाई को चाहिए कि अभी दो चार ओवर संभल के खेले, 14-14 ओवर का मुकाबला है, एक दूसरे को बल्लेबाजी जानते हैं, एक दूसरे की ताकत एक दूसरे की कमजोरी। अच्छी बॉल लीड किया बॉल को इमरान, काफी तगड़ी बॉल डालते हुए क्रिकेट की टीम, रॉबिन और ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है, और ये अच्छी बॉल बिल्कुल शॉर्ट बॉल लाइन लेंथ, अच्छी बॉल कराते हैं रेहान भाई, जीवनगढ़ से रॉन्ग करते हैं ये रॉबिन, मैंने चले जीवनगढ़ के उभरते हुए सितारे हैं ये फरहान, और ये देखिए काफी तगड़ा शॉट ये वाला, सीधे बॉल बाउंड्री के बाहर, फरहान भाई को चीता ही कहते हैं, प्लेयर हैं ये काफी तगड़े प्लेयर हैं, मुकाबलों में इन्होंने बड़ा। और ये ओवर की तीसरी बॉल रॉबिन चले सामने है फरहान, और ये देखिए एक और तगड़ा शॉट कट मारा है, तारीफ करनी होगी शॉट की, बहुत ही अच्छी सूझबूझ से खेलते हुए फरहान भाई, क्या तगड़ा गैप ढूंढा यहाँ पे फरहान भाई ने, ऑन फायर तगड़ी बैटिंग करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर, पावर प्ले का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं, लास्ट ओवर दो बॉल पर दो बाउंड्री मार दी हैं, और ओवर की चौथी बॉल, और ये देखिए तगड़ी बॉल कमबैक करते हुए रेहान भाई फ्रॉम जीवनगढ़, बहुत तगड़ी बॉलिंग ये भी बेहतरीन बॉल का, और ओवर की लास्ट बॉल है ये, और ये देखिए एक और अच्छी बॉल डॉट बॉल, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी, पांच बॉल हुई थी, और अब ओवर की आखिरी गेंद पावर प्ले की भी आखिरी गेंद, और ये देखिए इस तरह उठा के मारा है, और ये एक हाथ से कैच पकड़ा है यहाँ पर, कैच पकड़ लिया, बहुत ही तगड़ा कैच, बहुत अच्छा कैच है, एक हाथ से ने भी चीता ही कहते हैं शारिक भाई को, अकेडमी करते हैं ये एम के में, बहुत ही तगड़ा कैच कराएंगे यूसुफ भाई, और ये डॉट बॉल पहली बॉल डॉट हो गई थी यूसुफ भाई, दूसरी बॉल, और ये देखिए मारना चाहते थे काफी तगड़ी बॉल वाली भी डॉट बॉल, बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे, और ये देखिए एक और अच्छी बॉल बिल्कुल पैरों में कर दी बॉल, और ये देखिए अदनान भाई अब सामना करेंगे यूसुफ भाई का, बहुत अच्छी बॉल, और ये भी अच्छी बॉल, चार बॉलर ने तक एक रन दिया है, अच्छी बॉल डालते हुए यूसुफ भाई, पांचवी बॉल अदनान भाई सामना करेंगे, और ये देखिए अच्छा शॉट मारा है यहाँ पे, एक और तगड़ा कैच यहाँ पर, शारिक
का बैक टू बैक दो तगड़े कैच पकड़ते हुए यहाँ पर एक और विकेट विंटो सर्किल का लगने वाला चौथा झटका। बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर डीपी की टीम। और अब बैटिंग पर आए हैं अर्शिल भाई, यूसुफ चले सामने हैं। और ये देखिए अच्छी कीपिंग रहेगी, इन्हें भी चीता ही कहते हैं, बहुत तगड़ी कीपिंग करते हुए भी कर रहे हैं, क्या बात है भाई। और ये देखिए एक बार फिर एक रन ओवर की समाप्ति, ओवर मारा है भाई ने और एक विकेट लिया है। बैटल है ये आदिल वर्सेस इमरान। और ये देखिए आ गए मानना चाहते थे फील्डर उसके नीचे, और ये कैच ड्रॉप होते हुए यहाँ पे पहला कैच छूटा है यहाँ पर, कैच ड्रॉप किया है। और अब सामना करेंगे अर्शिल भाई आदिल भाई का दूसरी बॉल सामने है सर जी। और ये देखिए कट किया यहाँ पे, बहुत अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, जब नहीं मिल पाया डॉट बॉल, अन्यथा ये चौका ही था आदिल चले। और ये देखिए पिछली नो बॉल पर छक्का मार चुके हैं अर्शिल भाई, वीडियो नहीं बन पाई थी उसकी, फोन आ गया था किसी का। और ये देखिए बहुत तेज बॉल बॉल, और देखिए आदिल भाई का सामना करते हुए अर्शिल भाई। और ये देखिए एक और अच्छी बॉल लगाए इन्होंने, और ये देखिए आदिल भाई, और ये देखिए तगड़ा शॉट ये वाला भी, क्या तगड़ा चौका मारा यहाँ पे विराट कोहली भी शर्मा जाए चौके में, क्या बात है अर्शिल भाई ऑन फायर चीता ही कहते हैं अर्शिल भाई को। और ये देखिए मिंटू सर की टीम अब वापसी करती हुई लास्ट बॉल छठे ओवर की, और ये देखिए ओवर की लास्ट बॉल थी और एक और तगड़ा छक्का, क्या बात है भाई बहुत तगड़ी बैटिंग अर्शिल भाई, अर्शिल के बैट से निकलता हुआ तगड़ा खेलते हैं ये भी। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति यहाँ पर और यूसुफ भाई कराएंगे अपना दूसरा ओवर, तगड़ा वो ओवर कराया था पहला वाला। और ये देखिए पहली बॉल पर मारा यहाँ पर अच्छी फील्डिंग आदिल भाई की, बहुत अच्छा। और अब दूसरा दूसरी बॉल कराएंगे यूसुफ भाई अर्शिल भाई को, ये देखिए अच्छी शॉट सम्मान दिया बॉल को डॉट बॉल बैटने बीच का, अभी तक अच्छी बॉल कराते हुए यूसुफ भाई, यूसुफ चले सामने है अर्शिल तीसरी बॉल। और ये देखिए क्या तगड़ा शॉट भाई, बहुत अच्छा शॉट, क्या तगड़ा छक्का मारा है विराट कोहली भी शर्मा जाए भाई, चीता ही कह देते हैं भाई अर्शिल भाई ऑन फायर। ये देखिए ड्रेसिंग रूम से अर्शिल, मैं कह रहा था शुरुआत पहली बॉल खेली थी कि अच्छे खिलाड़ी दिखते हैं ये बैटिंग करते हैं अर्शिल भाई, इस तरह से वो अपना पूरा ही आउट करना होगा डीपी के तरह का, ऊपर से कीपिंग करेंगे और की चौथी बॉल, ओहो अच्छी बॉल मारी यहाँ पर एम्बर का फैसला, एम्बर का फैसला नॉट आउट, जब तक सिमरोज डाउट को फील करते हैं काफी अच्छी रनिंग में भागी। अब सामना करेंगे यूसुफ भाई का इमरान, शतक लगाने के लिए यूसुफ चले सामने इमरान। और ये देखिए तगड़ा शॉट, बहुत अच्छी तरीके से खेला फील्डर ने उसको, फील्ड किया शारिक भाई फील्डर, अच्छी फील्डिंग करते हैं शारिक भाई एक रन। और अब स्ट्राइक पे हैं अर्शिल भाई, और ये देखिए अंपायर का फैसला देखना हुआ और ये आउट, काफी तगड़ी बॉल यहाँ पर यूसुफ भाई की, अर्शिल भाई जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो आउट होने जा रहे हैं यहाँ पर वापस, रिवर्स शॉट मारा था यहाँ पे और अपना विकेट गवाया है यहाँ पे। और अब बॉलिंग कराएंगे रैबर भाई, पहली बॉल पर सिंगल, बैटिंग पर आए हैं अबू तालिब उर्फ साहिल, ड्राइवर चले सामने है बल्लेबाज, ड्राइवर भाई का सामना करेंगे। और ये देखिए पहली बॉल मार मारना चाहते थे पर कटर बॉल, काफी अच्छी बॉल डॉट बॉल स्ट्राइक में। और अब ओवर की तीसरी बॉल तालिम, और ये देखिए आगे मारा है फील्डर उसके नीचे देखना हुआ, और ये देखिए कैच ड्रॉप, अच्छी फील्डिंग डाइव मारी थी पर कैच हाथ में नहीं आया, गेंद चली गई थी तारा मंडल में, जल्द नहीं कर पाए हसन, जब तक कैच छूटा यहाँ पर दोनों कंप्लीट करते हैं बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज बॉलिंग करने आया सामने अबू तालिब, बहुत अच्छी बॉल ये डॉट बॉल तरीके से बीट किया। और अब ओवर की पांचवीं बॉल रैवर भाई का सामना करेंगे साहिल भाई, और ये देखिए कटर बॉल थी फील्डर उसके नीचे, और ये देखिए
फील्डर ने डाइव तो मारी थी। ये क्या हो रहा है? और कैच ड्रॉप हो रहा है, कैच ड्रॉप हो रहा है। इस तरह से अगर चलता रहा तो काफी तगड़ा मैच होता है। सामने बल्लेबाज के सामने करेंगे इमरान भाई। ये देखिए मारना चाहते थे, घुटना टेक छक्का लगाना चाह रहे थे, डॉट बॉल वाली ओवर समाप्त। अच्छा ओवर कराते हुए यहाँ पर रेवर भाई, काफी तगड़ी बॉलिंग, चीता ही कहते हैं रेवर भाई को। और अब यूसुफ भाई अपना कराएंगे तीसरा ओवर। यूसुफ पठान सामने करेंगे साहिल। चले और ये देखिए मारना चाहते थे, ढंग से खेला, गेंद गई लॉन्ग थोड़ी मिस फील्ड होती हुई, बॉलिंग लाइन पर लेकिन बोला कर लिया है। और ये देखिए काफी अच्छी रनिंग, गुड रनिंग, गुड रनिंग करनी हुई है। मिंटो सर्किल में एक रन दो रन बल्लेबाजी ने बहुत अच्छी रनिंग बिट बिंदा विकेट दिखाया अबू ताले। और ओवर की दूसरी बॉल, ओए देखिए सिमरोज ने अच्छी फील्डिंग की, डॉट बॉल फिलिप। चार ओवर तक एनर्जी की टीम में खत्म दिख रही है। यूसुफ चले सामने है अबू ताले। और ये देखिए क्या तगड़ा छक्का मारा है यहाँ पे गगन जी ने, छक्का मार दिया है कम से कम 120 मीटर का छक्का, बहुत ही तगड़ा शॉट साहिल का फ्रॉम जीवनगढ़। चीता ही कहते हैं इसको भाई। और ये देखिए पिछली बॉल में बहुत तगड़ा छक्का मारा था। और ओवर की चौथी बॉल, यूसुफ चले सामने अबू ताले। और ये देखिए एक और फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला, गेंद गई सिंगल रन की तरफ, जब तक फील होती है एक रन बाकी है। 65 रन हो चुके हैं यहाँ पे, अब दो बॉल बची हैं इस ओवर की। बहुत अच्छी बॉल देखने हुआ एम्बर का फैसला, डॉट बॉल इमरान बहुत टाइम। और देखने हुआ ओवर की लास्ट बॉल, बॉल बॉल इमरान सामने करेंगे इमरान यूसुफ भाई का। देखिए मानना चाहते थे वाइट बॉल, काफी अच्छी एम्पायरिंग करते हुए दोनों ही एम्पायर के बारे में बता दें, बहुत एक्सपीरियंस है। और ये देखिए एक बार ओवर की लास्ट बॉल फिर से यूसुफ चले सामने इमरान। ये देखिए मानना चाहते थे, मानना चाहते थे बीट हुए, डॉट बॉल है वाली कीपर के दस्ते में है अबू तालिब। थोड़ी बहुत दिक्कत आती हुई रन अप में, अबू तालिब बहुत लंबे लंबे। ये देखिए रेवर भाई, अबू तालिब ने पहली बॉल रिवर्स करना चाहते थे या बॉल को, डॉट बॉल काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए भाई का काम सिमरोज ने पूरा किया। सिमरोज भाई हुए हैं। और टेक्नो ओवर की दूसरी बॉल बहुत अच्छा मानना चाहते थे, डॉट बॉल पूरी तरीके से बीट हुए, सूझबूझ भरी बॉलिंग रेवर भाई की, एक्सपीरियंस दिखाते हुए अपना 300 मैच जो खेल चुके हैं उसका एक्सपीरियंस दिखाते हुए। एक और पटकी बॉल थी जिनको नहीं रोकना पड़ेगा, एक रन इमरान। और अब सामना करेंगे इमरान मानना चाहते थे, ब्रेक करा दिया मैंने कहा, वाइट बॉल ज्यादा ब्रेक करा दिया, ज्यादा ही बॉल घुमा दी वाली वाइट, इसलिए वाइट दे दिया अंपायर ने। अंपायर अच्छे अंपायर करते हुए ज्यादा ब्रेक हो गई दोनों ही अंपायर। और देखिए इस बॉल पर क्या होता है। और ये देखिए बहुत तगड़ा छक्का मारा यहाँ पर, पेड़ों के ऊपर से मार दिए बॉल। ये देखिए पेड़ों की हाइट देख सकते हैं आप, ट्रेसिंग रूम से गाली बजती हुई यहाँ पर, लंबे छक्के लगाते हैं। काफी पब्लिक आई है इस मैच को देखने के लिए, बॉल की कम से कम 1-2 करोड़ लोग आए होंगे देखने के मैच को। गेंद को पुल किया मिड विकेट के ऊपर, तगड़ी बैटिंग करते हैं इमरान भी, 100 मीटर का छक्का लगा। और ये देखिए तगड़ा छक्का मारा था पिछली बॉल पर। और ये देखिए एक और तगड़ा शॉट, एक और छक्का, अनलकी रहे, केवल एक ही मिलेगा। पत्तों से ही बॉल रुक गई यहाँ पर, 75 रन, पेड़ से बॉल रुक गई है, बॉल थोड़ी पीछे है। ये भी तगड़ा शॉट था वरना इस पर भी 6 रन जा सकते थे। और अब सामना करेंगे साहिल, 5 बॉल। और ये देखिए तगड़ी बॉल रेवर भाई की, कम बैक करते हुए टीम का काफी तगड़े ऑलराउंडर है रेवर भाई। 10 ओवर ये बहुत टूर्नामेंट फाइनल मैच है ये, अब अगले साल से और अच्छा इसको कराया जाएगा। ओ ये देखिए काफी गति से बॉल, इम्तियाज भाई पहली बॉल इमरान को ड्रॉप की, इमरान खेलना चाहते थे, स्पीड मारती थी बॉल भाई कमेटी को। और ये देखिए पहली बॉल डॉट हो चुकी है ओवर की दूसरी बॉल, बढ़िया टूर्नामेंट करवाया। ये देखिए एक और डॉट बॉल, इम्तियाज भाई स्विंग बॉल कराते हुए बहुत डाउट कर देखते हैं अगली बॉल पर क्या होता है। और ये क्लीन बॉल, ये देखिए तीसरी बॉल पर बॉल कर दिया है, बहुत तगड़ी बॉलिंग इम्तियाज भाई की, चीता ही कहते हैं भाई को,
होल्ड कर दिया है यहाँ पर इमरान को, बनाए 11 रन। और ये अपने सुहेल भाई भाई इमरान भाई अंपायरिंग करते हुए, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करी है इस मैच में। इमरान आउट हुए 11 रन बना के। और देखिए तक्ष भाई पहली बॉल पर छक्का मार दिया यहाँ पे, बहुत लंबा छक्का तक्ष भाई ने, बहुत तगड़ा शॉट छक्का लगाया है। ये कामरान आ रहे हैं। और ये देखिए दूसरी बॉल तक्ष भाई अपनी खेलेंगे, अगली बॉल डॉट बॉल सामना करेंगे तक्ष भाई। ओवर की अंतिम बॉल इम्तियाज भाई का डॉट बॉल, कोई रन नहीं, 10 रन बनाने चाहिए। ये देखिए 12वां ओवर चल रहा है यहाँ पे, डॉट बॉल 4 ओवर हो चुके हैं और पहली बॉल डॉट है और भाई तगड़ी बॉल डालते हुए। और ये ओवर की दूसरी बॉल, और ये देखिए शॉट मारा यहाँ पर, एक और छक्का, ये देखिए पेड़ों के पार एक और छक्का मार दिया यहाँ पर साहिल ने, तगड़ी बैटिंग करते हुए लड़का तगड़ा खेलता है। देखिए एक बार रेबर करेंगे, ये देखिए एक और शॉट, एम्पायर इशारा बताएं, एम्पायर का फैसला काफी अच्छा, और 6 रन। और ये गड़बड़ी बैटिंग करते हुए साहिल ए देखिए लेते हुए मैच का आलियों की गड़गड़ाहट ड्रेसिंग रूम से। और ये भरा हुआ स्टेडियम, काफी तादाद में दर्शक आए हुए हैं और ये अलीगढ़ स्टेशन के इतिहास में पहली बार देखने को दो बॉल में पूछा के मार दिए कि हैट्रिक मार रहे हैं, काफी अच्छा मैच चलता हुआ। ये देखिए डॉट बॉल और एक दफा फिर रेहबर भाई, रेहबर देखिए वाइट बॉल स्विंग बॉल करते हुए यहाँ पर ज्यादा बाहर निकाल दी बॉल, सामना करेंगे रेहबर का। और ये देखिए देखने वाले इस बॉल पर क्या होता है, और ये देखिए कटर बॉल भी यहाँ पर, एक और 6 रन, काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए साहिल चीता ही कहते हैं प्रॉन जीवन तालिब ने। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे छक्के के साथ 100 रन पूरे हो गए यहाँ पर मिंटो सर्किल के, 4 बॉल। और ये देखिए एक और शॉट, ये कैप में है ये भी, और एक और चौका, काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए साहिल इस ओवर में आड़े हाथ लिया है रेवर भाई को, काफी तगड़ी बॉल डाली थी रेवर भाई ने अपने, जो दूर से ऑल राउंडर है कोई शक नहीं है इसमें। और अब इम्तियाज भाई कराएंगे, बॉलर नेम बता दें। और ये देखिए एक और चौका, 4 रन के लिए यहाँ पर अच्छी गति से रन आते हुए मिंटू सर्किल के लिए, इम्तियाज भाई की पहली ही गेंद पर मारा है काफी तगड़ा चौका। और ये देखिए अब 13वां के दो ओवरों में 13वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ इस मिंटू सर्किल की टीम। और ये देखिए अच्छी बॉल, बीट हुए बैट्समैन, ये देखिए अलीगढ़ कॉलेज में ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, बहुत ही तगड़ा मैच होता हुआ यहाँ पर इम्तियाज की। और ये देखिए कट, और ये देखिए एक और तगड़ा कैच रेवर भाई का, ये अच्छी फील्डिंग करते हैं ये रेवर भाई अपने, इम्तियाज भाई एक और विकेट लेते हुए काफी चीता ही कहते हैं खेल रहे थे, 8 विकेट हो गए भैया। अमन और अब बैटिंग कर रहे हैं अमन भाई जो सामना करेंगे इम्तियाज भाई का, 13वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ मैच होता हुआ यहाँ पे सामना करेंगे एक बार फिर। और ये देखिए पट्टी बॉल थी, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल, वाइट बॉल काफी अच्छी गेंदिंग अपने रेवर भाई की, इम्तियाज भाई का सामना करेंगे। और ये देखिए डॉट बॉल, काफी अच्छी बॉल एक दफा फिर इम्तियाज भाई, और ये देखिए इस दफा मारा है बहुत लंबा छक्का फील्डर गेंद के नीचे, देख पाते हैं एम्पायर का तगड़ा शॉट भाई, काफी अच्छा स्ट्रोक लगाते हुए बैट्समैन, दूसरी ही बॉल पर छक्का मार दिया है। देखिए आपकी स्क्रीन पे अमन भाई अपनी दूसरी ही बॉल पर बहुत तगड़ा छक्का मारा था, बढ़कर हुआ 110 मीटर का मारा था, 7 बॉल बाकी हैं और ओवर की लास्ट बॉल, 7 गेंद शेष हैं सामना करेंगे। और ये कैच भाई, और ये देखिए एक दफा फिर मारना चाहते हैं, खेला है फील्डर गेंद तक पकड़ पाते हैं जब तक एक रन कंप्लीट किया, दूसरे को लेना चाहते थे लेकिन एक ही रन हुआ, काफी अच्छी फील्डिंग का। और ये देखिए पारी का लास्ट ओवर, देखते हैं इस ओवर में कितने रन ले पाएंगे मिंटू सर्किल की टीम। और ओवर की पहली बॉल, ये देखिए बाई का रन तो हो चुका है, एम बाई का फैसला देखना होगा, वाइट बॉल, दो रन आ चुके हैं अभी बॉल नहीं हुई एक भी, काफी अच्छे एम्पायरिंग करते हुए सोहेल भाई, ये अपने इमरान भाई बॉल एम्पायर का इशारा। और अब देखना होगा साहिल का करेंगे तो तगड़ी बैटिंग करते हुए इस मैच में अभी तक। और ये सामना करेंगे, ये देखिए अच्छी बॉल डॉट बॉल, यहाँ पर पहली बॉल डॉट हो चुकी है और ओवर 15 रन चाहिए बैट्समैन को 50 कंप्लीट करने के लिए, देखते हैं लगा पाते हैं नहीं।
और ये देखिए खेलना चाहते थे, टॉस बॉल थी, और ये देख रहे छोटे लोग हैं शायद, थोड़ी बहुत धक्की है बैट्समैन के, चेक करें काफी गति से बॉल आई थी क्योंकि ये ध्यान में आएगी। और ये मुकाबला शुरू होता हुआ लास्ट ओवर प्रगति पर चलता हुआ, ये लास्ट ओवर चल रहा है यहाँ पे, ओवर की तीसरी बॉल, मिंटो सर्कल देखते हैं कितने रन अर्जित कर पाते हैं लास्ट ओवर में। और ये देखिए यहाँ पर तगड़ा छक्का, एक और रन, ये देखिए बॉल लगी थी पिछली बॉल पर इनके और 43 बदला लेते हुए यहाँ पे काफी तगड़ा शॉट मारा था भाई, जीत आए कहते हैं, काफी शॉट लगाया, तारीफ करनी होगी टीम का स्कोर, कॉलेज में बहुत ही तगड़ा फाइनल मुकाबला होता हुआ, दोनों ही टीमें अभी तक एक भी मुकाबला नहीं आ रही हैं, सब टीमों को पछाड़ के यहाँ पर पहुँची हैं, और देखना होगा ट्रॉफी कौन अपने घर लेकर जाएगा, मिंटो सर के लिए दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए चल जाएगा थोड़ी देर में, काफी मनोरंजन हो रहा है दर्शकों का, लंबी लंबी हिट देखने को मिल रही है, और अब ओवर की चौथी बॉल साथ ही चला जाए, बॉल सामना करेंगे साहिल, ये देखिए उठा के मारा है फील्डर गेंद के नीचे, फील्डर उसके नीचे आते हुए, ये देख पाते हैं 50 पर ये नहीं, और ये देखिए एक और अच्छा कैच, एम्पायर का इशारा आउट, साहिल भाई आउट होते हुए 41 रन की अच्छी पारी खेलते हुए, लेकिन काफी अच्छा स्कोर करके टीम के लिए लौट रहे हैं वापस, ये देखिए ड्रेसिंग रूम से सब आने वाले हुए साहिल के लिए, काफी अच्छी बैटिंग करी यहां पे के लिए, इस विकेट पे बहुत रन नहीं वाले, तालिब देखते हैं क्या कर पाते हैं कप्तान कामरान, सामना करेंगे मिंटो सर की टीम के कैप्टन है ये, इधर इधर इधर, और देखना होगा दो बॉलों पर कितने रन जोड़ेंगे अपनी टीम के लिए, पिछली एसीई के कप्तान जीरो पर थे, इन कप्तान का देखना है क्या कर पाते हैं, अब सामना करेंगे दोनों नाम राशि हैं, सामना करेंगे कामरान, और ये देखिए पहले बॉल पर एम्पायर का इशारा नो बॉल, ये नो बॉल हो चुकी है, यहां पे बॉल फ्री हिट है, मैं दर्शकों को बता दूं अगली बॉल फ्री है, एम्पायर से कोई बहस नहीं करेगा, एम्पायर से कोई बहस नहीं करेगा, ये देखिए हमारे कमेंटेटर भाई कहते हैं एम्पायर से बहस करोगे तो टीम को एम्पायर से दोस्त क्वालीफाई कर दिया जाए, अभी तक बहुत ही तगड़ी एम्पायरिंग करते हुए सुहेल भाई और इमरान भाई, ये नो बॉल करार दी गई है, जोश में काफी दर्शक जोश में आते हुए, और ये देखिए फ्री हिट अब मिलेगी कैप्टन को, खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए, क्या होगा दो बॉल शेष हैं, देखते हैं ये फ्री हिट है, लो तो उठा पाते हैं नहीं, और ये देखिए बीट हुए, और ये एम्पायर का इशारा रन आउट, टॉट बॉल और रन आउट, कप्तान भी जीरो पर, हमारी टीम के कप्तान भी जीरो पर आउट हुए थे, अच्छी कीपिंग कर दिया है इस मैच में, कामरान भी जीरो पर रन आउट कर दिया है, यहां पे देखिए ओवर की लास्ट बॉल, अंडर 14 प्लेयर हैं ये, आमिर सामना करेंगे, आमिर भाई लास्ट बॉल है, देखते हैं क्या कर पाते हैं, और ये उठाकर खेल दिया और सब फील्डर के जाने देखते हैं कि लोगों ने दो रन, और ये अच्छी रन दो रन तक खेल चुके हैं, और ये 3 रन भी भागे हैं यहाँ पर अपने रह बनाए हैं, दो रन टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छी रन का कीपिंग करते हैं, 128 रन एक इनिंग की समाप्ति पर टीम का स्कोर 28 रन, मिंटो सर्कल ने काफी अच्छा स्कोर बनाया है, मिंटो सर्किल ने, और आमिर दो रन, आमिर दो रन बनाकर तगड़ी बैटिंग कॉलिंग देखने को मिली हमें इस मैच में, दोनों ही टीमें बहुत जान लगा के खेलती हुई, डीपी और मिंटो सर्किल पता चल रहा है थोड़ी देर में ट्रॉफी मैं नए दर्शकों को बता दूं, और ये देखिए अपनी डीपीई की टीम जो अब लक्ष्य चेज करेगी, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में ट्रॉफी कौन लेके जाएगा अपने घर, जो भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नाजिम क्रिकेट लवर अलीगढ़ अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, बिल्कुल यार भैया अपने भाई हैं देख सकते हैं, इनकी टीम हार चुकी है लेकिन पहले फाइनल में बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन अली खान भाई तुम्हारा नाम क्या है, राजा खान और भाई तुम्हारा असद भाई, और तुम्हारा जीशान भाई, मेरे साथ ये देखिए हंसी मजाक करते हो यहाँ पे, और ये देखिए दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली है, पहले करेंगे और ये देखिए पहली बॉल पर इम्तियाज भाई ने मारा है, देखिए बॉल वापस आ गई है, 6 रन हो सकता था पहली गेंद पर, लेकिन यहाँ पर 1 रन हुआ, अभी तड़ा शॉट मारा था पहली बॉल पर इम्तियाज भाई, ये शाहनवाज भाई अब सामना करेंगे कामरान भाई का, जो गति से बॉल डाल रहे हैं, और ये दूसरी बॉल, और ये सामना करेंगे, और ये देखिए पहली गेंद पर पहली बॉल पर उठा के मारा है गेंद के नीचे, थोड़ी बहुत फील्ड होती हुई, एम्पायर का इशारा 4 रन, एम्पायर का फैसला देखना होगा 4 रन,
बॉल करो ना खेल रहे हैं। ये देखिए सामना करेंगे कप्तान कामरान, तीसरी बॉल ओवर की कप्तान। और ये देखिए जूते पर जोर कर मारी थी और ये काफी तगड़ी बॉल कामरान मैगी की, तारीफ करनी होगी इस बॉल की, उम्र वाली जोर कर मारी थी बिल्कुल। और अब सामना करेंगे इम्तियाज भाई कामरान भाई का, इम्तियाज सामना करेंगे कामरान का। ये देखिए छक्का, बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए पहले ही ओवर से इम्तियाज भाई छक्का मार दिया है अपनी दूसरी बॉल पर, और पहली बॉल पर भी शॉट मारा था, चीता ही कहते हैं। और अब कामरान भाई एक दफा फिर अपने रन अप पर सामना करेंगे। और ये देखिए अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल ये वाली, 12 रन हो चुके हैं एक ओवर में कामरान। और ये देखिए ओवर की, और ये देखिए एक और बॉल, ये टीम के कैप्टन है कामरान भाई मिंटू सर्किल के। ओवर की समाप्ति 12 रन टीम का स्कोर, पहले ओवर की समाप्ति हुआ यहाँ पे एक ओवर में 12 रन है। और ये देखिए अब तक्ष भाई करेंगे दूसरा ओवर, और ये देखिए पहली बॉल पर मारा है गगन चुंबी छक्का, बहुत ही लंबा छक्का, ये बॉल भी नहीं मिलेगी शायद, इतना लंबा छक्का मारा है यहाँ पे शाहनवाज भाई ने, दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उठाकर खेल दिया है दक्ष की, कम से कम 120 मीटर छक्का मार दिया है यहाँ पे। और ये देखिए दूसरी बॉल मारते हुए, क्योंकि ये बॉल खो दी है भाई ने, ये बॉल नहीं मिलने वाली, पहली बॉल पर छक्का मार चुके हैं दूसरी बॉल पे। और ये देखिए कम बैक करते हुए यहाँ पे बॉलर, ये अच्छी कीपिंग साहिल की, अच्छी क्रिकेट होती हुई यहाँ पे अलीगढ़ कॉलेज में फाइनल मुकाबला चलता हुआ। और देखना होगा यहाँ पर फंसा तो दिया फिल्डर उसके नीचे, और ये फिल्डर ने कंप्लीट किया यहाँ पर पहला विकेट लेते हुए मिंटू सर्किल की टीम। शाहनवाज भाई जो बहुत लंबा छक्का मारा था इन्होंने, ये आउट हो चुके हैं अपने शाहनवाज भाई, कमबैक करते हुए बॉलर, दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई, बिल्कुल फाइनल की तरह ये मैच हो रहा है। बैटिंग पर आए हैं शारिक भाई, और ये देखिए पहली बॉल पर यहाँ पर मारा है, और ये फील्डर के हाथ में मार दिया बॉल, काफ़ी बड़ा विकेट, अभी दो मैचों में यहाँ 250 मार चुके थे शारिक भाई, और इस दफा पहली बॉल पर आउट हुए हैं। यहाँ पर बॉलर की तारीफ करनी होगी, दो बॉलों पर दो विकेट लेते हुए यहाँ पे दक्ष भाई पूरी तरीके से अपनी टीम को गेम में लाते हुए। और अब बैटिंग पर आए हैं रेवर भाई, हैट्रिक बॉल है ये वाली, और ये देखिए पहली बॉल पर मारा था शॉट, थोड़ी मिसफील्ड होती हुई यहाँ पे, और यहाँ पर पहली बॉल पर दो रन, काफी अच्छी रनिंग रेवर भाई की, पहली बॉल पर दो रन लेते हुए अपनी, काफी तगड़े ऑलराउंडर है रेवर भाई, अकेडमी करते हैं टीम का स्कोर 20 रन, और 20 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर पर चलता हुआ। और ये देखिए अच्छा तो खेलते हुए सिंगल के लिए, पर दो ओवरों में 21 रन हो चुके हैं, दो विकेट जो इस ओवर में आए थे तक्ष भाई के, काफ़ी तगड़ी बॉल डालते हुए। अलीगढ़ कॉलेज में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है DBE वर्सेस मिंटू सर्किल, बहुत ही तगड़ी हैं दोनों टीमें, एक भी मुकाबला नहीं आ रही थी अपने, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले थे सारे। सामना करेंगे ओवर तीसरा ओवर ये वाला, ये देखिए रेवर भाई ने शॉट मारा था थोड़ी मिस फील्ड होते हुए, और यहाँ पर 4 रन, काफ़ी तगड़ा शॉट, चीता ही कहते हैं रेवर भाई को, कैप्टन वाली पारी खेलते हुए अभी तक सूझबूझ से पहली गेंद पर मारा है बहुत तगड़ा शॉट। और देखना हुआ और ये सामना करेंगे रेवर कप्तान का, और ये देखिए एक और तगड़ा शॉट, एक और चौका, काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए रेवर भाई आते ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 29 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। ओवर की तीसरी बॉल देखने वाले स्कोर पर क्या हुआ, दोनों कप्तान देखते हैं, ये देखिए और तगड़ा छक्का, क्या बात है भाई, बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आते ही काफी लंबे लंबे ऐसे लग रहा है कि घर से ही सेट होकर आए हैं, बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए यहाँ पे काफी लंबा छक्का मारा था ये भी, और ये बॉल भी नहीं मिलेगी, पैर भी कुछ खास नहीं करा, काफी तगड़ा मुकाबला होता हुआ यहाँ पे
दो मैचों में शून्य बनाकर ट्रॉफी की जंग है ये। डीपीई वर्सेस मिंटो सर का, मिंटो के कप्तान कामरान भी कुछ खास नहीं कर सके अपनी टीम के लिए। कप्तान कामरान भाई देखो फिर और ये दो रन दौड़कर पूरे कर पाते हैं नहीं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट पर आउट हुए थे दोनों मैचों में। एक न होगा कामरान भाई को रहबर भाई और ये रहबर भाई बहुत तगड़े मूड में आए हैं आज। मिलर वाली पारी खेल रहे हैं यहाँ पे, लास्ट बॉल ओवर की ये देखिए खेलना चाहते थे, कटर बॉल थी बीट हुए अभी अच्छे बॉल, एक रन दौड़कर कंप्लीट किया शॉट बॉल अपने पास रखेंगे कप्तान और तक्षण बड़ी मोहब्बत करते हैं का लास्ट ओवर एक ही आवाज में हम लोग ओवर में और देखना होगा इस बार क्या कमाल करते हैं। ये देखिए पहली बॉल पर रिवर्स करना चाहते थे टॉट बॉल, रिवर्स खेलना चाहते थे पूरी तरीके से, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर अक्षय भाई की। ड्राइवर को मुझे लग रहा है कहीं जाना है बहुत जल्दी में, ड्राइवर भाई बहुत जुनून में खेलते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चाहते हैं, फाइनल मुकाबला है ये, बैट रोक नहीं रहा है बिल्कुल भी, कर जाएगी ट्रॉफी और ये अच्छी बॉल अच्छी तरीके से खेला टॉट बॉल, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, काफी भारी संख्या में मैच देखना है दर्शक। और ये देखिए एक और अच्छी बॉल, क्या तगड़ी बॉल डालते हुए यहाँ पे सभी उबरते हुए सितारे हैं अलीगढ़ के, बहुत अच्छे तरीके से काफी अच्छी क्रिकेट होती हुई यहाँ पे। और देखना होगा ओवर की चौथी बॉल और ये देखिए सम्मान देते हुए यहाँ पे एक और डॉट बॉल, पावर प्ले का लास्ट ओवर है ये बिल्कुल, और अच्छी बॉल कराते हुए दक्ष भाई, काफी अच्छी क्रिकेट होती हुई दोनों ही तरफ से, बॉलर चले सामने है और ये घुमा दिया है एक रन बाकी कर दिया, एक रन सामने करें लास्ट बॉल खेलना कहीं और चाह रहे थे बॉल कहीं घूम रहा है फिर भी भाग के एक रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने, मेरे टक्करी मार देते रहे गए दो विकेट के अंदर रन को ही गिरा देते हैं, ये जमाती पे बहुत जुनून में है, समाप्त हो गया है पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है दो विकेट पर 44 रन है यहाँ पे, देखते हैं कौन मारता है इस मैच में बाजी, कौन ले जाता है ट्रॉफी अपने घर, क्योंकि अब तक दोनों ही टीमें बहुत तगड़ा खेलती हुई यहाँ पे। और अब पारी का पांच ओवर अपना पहला ओवर कराएंगे इम्तियाज का, पहली बॉल पर मारा है बॉल रुक गई यहाँ पर किसी और ये कैच छूटते हुए पहली बॉल पर और थोड़ी बहुत भी स्पिन होती हुई यहाँ पे, काफी बेहद बेकार फील्डिंग कर रहे हैं मिंटो के खिलाड़ी, जहाँ पर एक रन मिलना चाहिए था वहाँ पर तीन रन हो चुके हैं, तीन रन दौड़कर पूरे किए, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, डीपी के बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए, काफी अच्छी रनिंग यहाँ पर छोड़ रहे रन का डीपी क्रिकेट एकेडमी की। और अब सामना करेंगे इमरान धीमे धीमे करते हुए रैबर के लिए और ये डिफेंस कर दिया है, काफी चालाकी से क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर सिंगल चुराते हुए रैबर भाई, काफी सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए यहाँ पे ओवर प्रगति पर चलता हुआ और ओवर की तीसरी बॉल दोनों एक ही रैकेट में करते थे यहाँ पर मिसफील्ड एक रन और हुआ जो शॉट बॉल होनी चाहिए थी, वहाँ पर एक रन और हो चुका है यहाँ पे, तो फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फाइनल की जंग है ये, बहुत ही तगड़ा मुकाबला होते हुए यहाँ पे वेबर सामना करेंगे इमरान का और देखिए और अच्छी बॉल इधर इधर देखते हैं यहाँ पर एक और स्पिन पर रन नहीं थी लेकिन इस ओवर में काफी स्पिन के रन दिए हैं जिन्होंने दौड़कर पूरा किया, कोई भी मौका नहीं छोड़े दोनों बल्लेबाज रन का, टीम की यहाँ पर 50 हो चुकी है। और ये देखिए एपिक बैटल इमरान वर्सेस इम्तियाज, दोनों एक ही अकेडमी करते थे पहले, और ये देखिए पहली बॉल पर मारा है और यहाँ पर कैच करते हुए अपनी बॉल पर इमरान, काफ़ी तगड़ी बॉल डाली है इस ओवर में, तारीफ करनी होगी अपनी टीम को बैक टू याद दिलाते हुए, एक और विकेट
क्या देखते हैं इस विकेट से, कितना फ़ायदा होगा टीम को। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेलती हुई यहाँ पे, फाइनल की तरह ही ये मुकाबला खेला जा रहा है, हार मानने कोई भी तैयार नहीं है। और अब आए हैं बैटिंग में रिहान भाई, सामना करेंगे इमरान भाई का। पहली बॉल पर स्टेट ड्राइव मारते हुए और थोड़ी बहुत मिस फील्ड दोबारा होती हुई, लेकिन इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। एक रन इस बॉल पर, और अब पारी का छठा ओवर, अपना पहला ओवर लेकर आए हैं अदनान भाई, सामना करेंगे रिहान। देखते हैं क्या होगा इस बॉल पर, ओवर की पहली बॉल, और ये देखिए कटर बॉल थी, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर फील्डर की, पहली बॉल डॉट बॉल, और ओवर की दूसरी बॉल, ये देखिए एक और डॉट बॉल। काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अदनान भाई, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये एम की तरफ से खेलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर अपने टाइम के। और ये देखिए बॉल खड़ी हो गई यहाँ पे, यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ, काफ़ी तगड़ी बॉल कराते हुए यहाँ पे अदनान भाई। और अब सामने हैं टीम के कैप्टन रेवर भाई अदनान भाई, और ये देखिए हाथों से खेलते हुए सिंगल के लिए, एक रन इस बॉल पर कंप्लीट करते हुए यहाँ पे रेवर भाई। ये देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है, और ये देखिए एक और डॉट बॉल, काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करते हुए अदनान भाई कमबैक कराते हुए अपनी टीम को। और देखना होगा इस बॉल पर क्या होता है, देखिए एक और तगड़ा शॉट मारा था, सिंगल है इस बॉल पे, ग्राउंड से बाहर हो जाए सर। बहुत ही अच्छा ओवर कराया यहाँ पे अदनान भाई ने, 54 रन दिए हैं यहाँ पे इस ओवर में, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग। तो नई टीम बहुत अच्छा खेलती हुई यहाँ पे, एक तरफ से ड्राइवर भाई डटे हुए अपनी टीम को जिताने के लिए कि मैं ही ट्रॉफी कर लेके जाऊँगा, और दूसरी तरफ विंडो सर्किल की टीम कहती हुई कि हम ट्रॉफी कर लेके जाएंगे, वह भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में कौन पड़ता है किस पे भारी। और अपना दूसरा ओवर कराएंगे इमरान यहाँ पे, सामना करेंगे रिहान। ये देखिए ऑफ कंट्रोल बॉल, तगड़ी बॉल, डॉट बॉल यहाँ पे, क्या बॉल डाली थी ये वाली, चीता ही कहते हैं जीवनगढ़ से ये इमरान, डॉट बॉल। दूसरी बॉल का सामना करेंगे रिहान भाई, लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये भी, देखना होगा। और ये देखिए एक और डॉट बॉल, अच्छी बॉल ये वाली भी, दो बॉल बैक टू बैक डॉट बॉल। यहाँ से टीम को जीतने के लिए 74 रन और चाहिए, देखना होगा तीसरी बॉल पर क्या होगा इस बॉल पे। और ये देखिए एक और डॉट बॉल, और ये देखिए मिस फील्ड का एक रन, फील्डिंग देखने को मिली है अभी सरकार की तरफ से, एक रन इसको चुराते हुए रेवर भाई अपने अंपायर से पूछते हुए कि नो बॉल है कि नहीं, जो पूछना जायज़ भी है। अंपायर का फैसला काफ़ी सूझबूझ से अंपायरिंग करते हुए अपने सुहेल भाई और इमरान भाई। और ये देखिए चौथी बॉल ओवर की, रेवर सामना करेंगे इमरान का, रन अप में रुके, थोड़ी दिक्कत हुई। ये रेवर भाई तगड़े ऑलराउंडर हैं, ये रेवर काफ़ी जिम्मेदारी से टीम की कमान को संभालते हुए। देखिए एक और डॉट बॉल, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर मिंटू सर्किल की टीम, अभी लेकिन अब दो ओवर में लास्ट रहे हैं, जानते हैं काफ़ी सूझबूझ से खेलते हुए यहाँ पर रेवर भाई। और अब देखना होगा सामना करेंगे इमरान बॉल पर क्या होता है। और ये देखिए फुल टॉस बॉल थी, आगे मारा है, ये अच्छी फील्डिंग करते हुए यहाँ पर, अंडर 14 प्लेयर हैं वो, बता दूं आपको, और यहाँ पर दो रन कम्प्लीट करते हुए रेवर भाई चलता हुआ मुकाबला। और देखते हैं ओवर की लास्ट बॉल है, ये सामना करेंगे रेवर भाई। और ये देखिए एक और अच्छी बॉल हिट लगी यहाँ पे, एक रन इस बॉल पर आता हुआ यहाँ पे, बहुत रन दिए मिंटो ने।
बॉलिंग मार्क पर आपके अदनान भाई अपना दूसरा ओवर कराएंगे और पारी का आठवें ओवर सात ओवर अट्ठावन इसको यहाँ पे देखते हैं पड़ेंगे या विकेट जाएगा थोड़ी देर में। और ये देखिए पहली बॉल पर फील्डर गेंद पकड़ पाते हैं नहीं आ रहा है शॉट छह रन और ही तगड़ा शॉट यहाँ पर आएगा। काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए रहबर भाई बल्लेबाजी आप आते हैं चीता ही कह देते हैं सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए यहाँ पर रहबर भाई। जैसे मैंने बताया था आपको एक ओवर में छक्के जोके पड़ेंगे विकेट जाएगा और पहली बॉल पर छक्का आया था और दूसरी बॉल पर सिंगल लेते हुए यहाँ रहबर भाई की तरफ से दिए जाएंगे और ये ओवर की तीसरी बॉल। ये देखिए यहाँ पर सिंगल आता हुआ तीसरी बॉल पर काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए रहबर भाई। और ये देखिए रिवर्स मारा यहाँ पर बहुत तगड़ा शॉट देखने लायक हुआ जितनी तारीफ कर जाओ उतनी कम। क्या तगड़ा शॉट मारा है रहबर भाई ऑन फायर चीता ही कहते हैं भाई। ये देखिए ड्रेसिंग रूम से तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहेगी हौसला अफजाई करते हुए टीम का डीपी क्रिकेट टीम के टीम का स्कोर बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए यहाँ पे। और ये देखिए पिछली बॉल में बहुत तगड़ा शॉट मारा था और देखिए इस बॉल पे सम्मान देते हुए बॉल को लिफ्ट किया टॉड बॉल काफी अच्छी बॉलिंग काफी तगड़ी बॉल डालते हैं अदनान भाई भी। देखिए इस बॉल पर ये देखिए सम्मान देते हुए और एक और डॉट बॉल काफी इससे तगड़ा मैच नहीं देखा होगा आपने अभी तक। आठ ओवरों में 70 रन हो चुके हैं और अब चाहिए 6 ओवर में 59 रन। दोनों ही टीमें बहुत मेहनत करती हुई जीतने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है इस मैच में। और अब बॉलिंग मार पर अपने अर्शिल भाई अभी तक नहीं कह सकते आपके कौन जीतेगा ये फाइनल मुकाबला और अब अर्शिल भाई का सामना करेंगे रेहान भाई पहली बॉल ओवर की। और ये देखिए पहली बॉल पर मार रहा है बहुत तगड़ा शॉट देखना होगा एम्पायर का फैसला चार रन काफी तगड़ा शॉट पहली गेंद पे रन चाहिए और अब ओवर की दूसरी बॉल। और ये देखिए और उसे खेल दिया है शॉट मारा था सिंगल एक रन काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे और रेवर भाई सूझबूझ से खेलते हुए यहाँ पे 45 रनों पे 5 रन अपनी 50 से दूर इस बॉल पे। और ये देखिए कौन तगड़ा शॉट क्या तगड़ा शॉट मारा है चार रन क्या बात है भाई कौन तगड़ा चौका पहुंच गए हैं रेवर कप्तान बड़ी पारी खेलते हुए अपने रेवर भाई। और ये 50 से एक रन दूर है हमारे बॉस सलमान साहब। और ये देखिए डॉट बॉल गिफ्ट करते हुए बॉल को और एक दफा फिर सामना करेंगे रहबर भाई रशील भाई का। ये देखिए बॉल अंदर आती है दोनों तरफ स्विंग कराते हैं रशील भाई बता दूं आपको अंदर बाहर करते हैं बॉल को और ये अच्छा छोड़ा यहाँ पे रहबर भाई ने डॉट बॉल ओवर की लास्ट बॉल। और ये देखिए भाई एक और शॉट मारा है एक और चौका और यहाँ पर 50 कंप्लीट करते हुए रहबर भाई चीता ही कहते हैं भाई की आग लगा दिया यहाँ पे बहुत तगड़ी बैटिंग भाई जवाब नहीं यार। यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग रूम से क्या हौसला तय होती हुई इनामों की बारिश यहाँ पे होती हुई। ये देखिए आपको बता दूँ मैं बहुत भारी संख्या में बेहतर आए हैं यहाँ पर मैच को देखने के लिए मैच के बाद ले लें इनामों की बारिश होती हुई रहबर भाई के लिए वो साहब को निकालो भाई 5 ओवर में 51 रन चाहिए जीत के लिए रहबर भाई ज़्यादा है उसमें से कटवा लेंगे आमिर का सामना करेंगे रहबर आमिर भाई अपने 114 प्लेयर और पहली बॉल पर कैच विकेट दिलाते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैच फील्डर का तारीफ करनी होगी रेहान आउट हुए। ये देखिए अपने समीर भाई रेहान बहुत तगड़ा कैच पकड़ा है इन्होंने टाइम लगाकर कैच पकड़ा था ये वाला। और अब बैटिंग पर आए हैं आदिल सामना करेंगे देखिए तगड़ी बॉल डालते हुए आमिर भाई 114 प्लेयर हैं ये। और ये देखिए बता दूँ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं ये आमिर भाई अपने ये भी AMU की तरफ से ही खेलते हैं और देखना होगा ओवर की तीसरी बॉल चार विकेट और ये देखिए एक और अच्छी बॉल ज़्यादा बाउंड अब ओए एक बॉल
और अच्छी रनिंग यहाँ पर रेवा भाई की, क्योंकि तगड़ा खेलते हुए इस मैच में। और अब सामना करेंगे रेवा भाई आमिर भाई का। और ये देखिए और अच्छी बॉल सामने की तरफ प्लेस, तगड़ी बॉल डालते हुए आमिर भाई, कोई रन नहीं बता दूं, बहुत अच्छी बॉल डालते हैं ये भी। आमिर ने चार बॉलों में एक रन खर्च किया और भाई एक विकेट। देखते हैं ओवर की पांचवी बॉल। और ये देखिए बॉल थी और स्पिन होती हुई, लेकिन एक रन इस बॉल पे। और ओवर की लास्ट बॉल आदिल भाई सामना करेंगे आमिर भाई का। और ये देखिए एक और अच्छी बॉल, टॉट बॉल, काफ़ी अच्छी बॉलिंग इस ओवर में। टीम का स्कोर दो रन दिए हैं केवल इस ओवर में। आमिर भाई ऑन फायर, चीता ही कहते हैं। चार ओवर में देखिए, अब चार ओवरों में 45 रन की ज़रूरत है टीम को जीतने के लिए। बहुत ही तगड़ा फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पे अलीगढ़ कॉलेज में। और ये देखिए पहली बॉल पर रिवर्स शॉट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए एम्पायर का फैसला दे रहा है, 6 रन, बहुत ही तगड़ा छक्का यहाँ पे। क्या टाइमिंग से मारा था शॉट, पूरे के पूरा रन मिले 6। और ये देखिए ओवर की दूसरी बॉल। और ये देखिए फील्डर के हाथों मार दिया यहाँ पे, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे रेवर भाई का, क्योंकि बहुत तगड़ी पारी खेल रहे थे। ये देखिए टीम के आप जश्न से समझ सकते हैं कितना बड़ा विकेट है ये, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट लिया यहाँ पे तक्ष भाई ने। काफ़ी अच्छी पारी खेली यहाँ पे 60 रनों की रेवर भाई ने। पार्टलर बहुत तगड़ी बैटिंग करते हो भाई, तारीफ करनी होगी। और ये विकेट दिलाते हुए दक्ष भाई अपनी टीम को, बहुत ही तगड़ा फाइनल मुकाबला। आप ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, कौन ले जाएगा अपने घर ट्रॉफी, वोट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कह सकते। देखना होगा इस बॉल पर क्या होगा। और ये देखिए फुल टॉस बॉल, शॉर्ट बॉल, ये देखिए गलती से बॉल कराई थी ये वाली बैट्समैन ने। और देखना होगा इस बॉल पर क्या होगा दक्ष भाई की। और ये देखिए शॉट मारा यहाँ पे, फैसला 4 रन, बहुत तगड़ा शॉट हसन भाई। और ये देखिए टॉट बॉल, हसन भाई अब बैटिंग करते हुए यहाँ पे चौका मार दिया है अब हसन भाई ने एक। और ये देखिए एक और तगड़ी बॉल, एक और यॉर्कर बॉल, एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं। और ओवर की समाप्ति यहाँ पे, बहुत ही तगड़ा मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। और ये देखिए अब 3 ओवर में 35 रन की जरूरत है। और अब आमिर भाई का सामना करेंगे आदिल भाई, क्योंकि तगड़ी बॉल डाली थी पिछले ओवर उन्होंने। और ये देखिए पहली बॉल शॉर्ट बॉल, बहुत अच्छी बॉल कराते हैं ये, लेकिन अंडर 14 प्लेयर है ये, मैं बता दूँ आपको। और देखना होगा इस बॉल पे। और ये देखिए एक और डॉट बॉल, कुछ अता पता नहीं चल रहा है गेंदबाजी करते हुए, स्विंग कराते हुए यहाँ पे काफी तगड़ी बॉल कराते हुए आमिर भाई, लेफ्ट आर्म बॉलर है 34। अगली बॉल, और ये देखिए एक और तगड़ी बॉल और थोड़ी मिसफील्ड होती हुई, और एक बाइक का, इसके बाइक का एक रन हुआ है। ये भी तगड़ी बॉल डाली थी भाई, पिछली बॉल वाइड थी, गलती हो गई थोड़ी। और ये देखिए एक बॉल पे, और ये देखिए डंडा बाहर, एक बॉल कर दिया है यहाँ पे, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे, तारीफ करनी होगी आमिर भाई की। हसन को तगड़ी बॉल डालते हुए यहाँ पे, हसन 4 रन बनाकर आउट। अब हसन भाई को बॉल कर दिया है, न्यू बैट्समैन यहाँ पर अब सामना करेंगे दानियल भाई आमिर भाई का। और ये देखिए एक और तगड़ी बॉल, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाजों के, क्या बॉल डालते हुए, तारीफ करनी होगी। अगली बॉल आमिर की, आमिर भाई एकदम फिर, और देखिए जूते पे और कर बॉल का कोई संपर्क नहीं भाई का, एक और तगड़ी बॉल लेग भाई का, धुआं ही बिखेर दिया आमिर भाई ने। ये देखिए और अब सामना करेंगे आदिल, तगड़े छक्के मारते हैं ये भी। काफी तगड़ी बॉल डालते हुए आमिर, जो भी मैच देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे भाई कहाँ थे ये छुपे हुए, तगड़े बॉल डालता है भाई। और बस डॉट कराए यहाँ पर, लास्ट के 2 ओवरों में 32 रन चाहिए अनिल भाई, देखते हैं कितने छक्के मार पाते हैं ये, अलग अंदाज से खेलते हैं ये। और ये देखिए ओवर की पहली बॉल 32 रन चाहिए 2 ओवर में। और ये देखिए पहली बॉल पर मारा है उठा के,
एम्पायर का फैसला देखना होगा। चार रन बॉल टप्पा खा के सी मारेगा के बाहर। देखिए गलती होती हुई थोड़ी बहुत, और दर्शक बताते हुए यहाँ पे कि छह रन है। बॉल टप्पा ही नहीं गए, सीधा बाउंड्री के बाहर मार दिया। बता दूं छक्के मारते हैं, लंबे लंबे जिता सकते हैं मैच को। ओवर की पहली बॉल पर छक्का आ गया है, और ये देखिए ओवर की अब दूसरी बॉल। और ये देखिए काफी रफ्तार से बॉल कराई थी ये वाली, बहुत तेज बॉल ये वाली। सामने खेलना चाहते थे और कर बॉल इमरान जी बन गए। ये देखिए 10 बॉलों में 26 रन की जरूरत, सांस रोकने वाला फाइनल। बहुत ही तगड़ा मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पे इमरान। ये देखिए एम्पायर का फैसला वाइड बॉल। ये देखिए दोनों ही टीमें बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलती हुई यहाँ पे, और देखना हुआ इस बॉल पर ओवर की तीसरी बॉल, अगली बॉल। और ये देखिए ड्राइव कर दिया है, अच्छा शॉट मारा था यहाँ पे एक रन के लिए, गलती हुई यहाँ पर। एक रन हुआ इस बॉल पे, एक रन चाहिए। बैटिंग पर आए हैं शिमरोज भाई, बहुत अच्छा मैच घटता हुआ। इनकी बैटिंग मैंने देखी थी एक बार, लंबे लंबे छक्के मारते हैं ये भी। 9 बॉल में 14 रन चाहिए, सिमरोज सामना करेंगे। ये देखिए 24 सिमरोज सामना करेंगे इमरान का इस बॉल पे। देखना हुआ एम्पायर का फैसला, एम्पायर का सारा वाइट बॉल यहाँ पे। ये अपने एम्पायर भाई सुहेल भाई बैट देते हुए इस बॉल को, अंपायर का सारा वाई। और एक दफा फिर शिमरोज भाई सामना करेंगे इमरान का, देखते हैं क्या होगा इस बॉल पे। और ये देखिए कटर बॉल थी, फील्डर उसके नीचे, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे, कैच ड्रॉप किया। और ये अच्छी फील्ड यहाँ पर साइड अंपायर बताएंगे फील्ड अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए चौका था पिछली बॉल पर, काफी तगड़ी बैटिंग करते हुए शिमरोज भाई। 8 बॉलों में 19 रन की दरकार, बहुत जोमन। ये देखिए 2 बॉल यहाँ पे, एक और रन आता हुआ इस बॉल के साथ। और ये बॉल होगी क्रिएट, 2 रन। तो देखना होगा फाइनल कौन जीतता है, कौन पड़ता है किस पे भारी। दोनों ही टीमें जान लगा के खेलती हैं, 111 है टीम का स्कोर। हार मानने का कोई भी तैयार नहीं है। अगली बॉल पर क्रिएट का सामना करेंगे दानियल भाई। 17 रन की दरकार, 8 बॉलों में 70 रन, इससे तगड़ा मैच नहीं देखा होगा आपने। बल्लेबाज दानियल काफी लंबी हिट लगाकर खेल रहे थे अभी, देखना होगा इन दो बॉलों पर कितना फायदा उठा पाते हैं दानियल भाई। दानियल सामना करेंगे रन का। और ये देखिए उठा के मारा है बहुत ही लंबा, इशारा बताएं। और ये खिलाड़ी, आईपीएल के प्लेयर्स अंदर नहीं जाएं, मैच खत्म होने के बाद ही जाएं। और यहाँ पर फिर रुक गई एक बार पेड़ों से, 2 रन 2 रन 6 रन जा सकते थे, बहुत तगड़ा शॉट मारा था दानियल भाई ने। अब अंदर चलो, ये ओवर की लास्ट बॉल, 15 रन की जरूरत यहाँ से जीत मुकाबला जीतने के लिए। देखते हैं कौन जीतता है फाइनल वाला। और ये देखिए एम्पायर का फैसला, यहाँ पर एमओ भाई ने आउट दिया है। और देखना होगा अभी अंपायर आपस में बात करके बताएंगे क्या है ये। बहुत ही तगड़ा फाइनल खेला जा रहा है यहाँ पे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए इससे तगड़ा फाइनल मुकाबला नहीं देखा हुआ आपने। लास्ट ओवर 14 रन चाहिए, बहुत ही तगड़ा मैच खेला जा रहा है यहाँ पे। जैसी उम्मीद थी दोनों टीमों से वैसे ही मैच खेला जा रहा है यहाँ पे। देखना होगा इस ओवर में अभी पता चल जाएगी ट्रॉफी। 14 रन की जरूरत, और ओवर की पहली बॉल। और ये देखिए पहली बॉल शॉर्ट बॉल, वाइड बॉल, बहुत ज़्यादा ही घुमा दी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टर्न करा रहे हैं बॉल को, बहुत तगड़ी बॉल डाल रहे हैं ये भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही घूम गई। अब देखिए 6 बॉलों में यहाँ से 13 रन चाहिए। और ये देखिए पहली बॉल पर मारा है 6 रन। क्या तगड़ा शॉट मारा है दानियल भाई ने, चीता ही कहते हैं। पहली बॉल पर छक्का मारते हुए यहाँ पे, और अब यहाँ से 5 बॉलों में 7 रन चाहिए। 5 बॉलों में 7 रन मुकाबला जीतने के लिए दानियल के लिए आमिर भाई। और ये देखिए हल्का तो सो खेला उस बॉल को, 1 रन।
सिंगल इस बॉल पे, चार बॉलों पर छह रन की जरूरत यहाँ पे शेमरोज भाई। और ये देखिए कवर की तरफ खेला, यहाँ पर सिंगल हर्षिल भाई फील्डिंग करते हुए, तगड़ी फील्डिंग करते हैं हर्षिल भाई। और यहाँ पर देखिए इतना तगड़ा मैच भाई मैंने तो नहीं देखा अभी तक, सामना करेंगे तीन बॉलों पर पांच रन चाहिए। बिल्कुल वैसे मैच हो रहा है जैसे ये फाइनल से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था वर्ल्ड कप में फाइनल, तीन बॉलों में पांच रन। अगली बॉल आमिर की, और ये देखिए इस बॉल पे, और ये देखिए शॉट बॉल हुई थी यहाँ पे और भाई का एक रन हो गया है, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और अब देखिए जितना मैच करीब जा रहा है चार रन चाहिए, यहाँ पर आउट की अपील की है अंपायर से, देखिए इंटरनेशनल वाली अपील। लेकिन यहाँ पे इमरान भाई बहुत तगड़ी एम्पायरिंग करते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पहले के हमारे बहुत सीनियर प्लेयर हैं इमरान भाई। दो बॉलों में चार रन, और यहाँ पर दो बॉलों पर अब चार रन चाहिए फाइनल मुकाबला। और ये देखिए एक और डॉट बॉल, लास्ट बॉल पर बैच जा पहुँचा है, देख सकते हैं आप फील्डिंग टीम का जोश। अब लास्ट बॉल पर चाहिए चार रन, क्या फाइनल है भाई, क्या फाइनल है, कोई भी जीते पर क्रिकेट जरूर जीतेगा आज। और दर्शक पीछे रहे साइकिल पे, बाउंड्री हो जाए और देखते हैं अब लास्ट बॉल पर चार रन चाहिए क्या होता है इस बॉल पे, कौन ले जाएगा फाइनल की ट्रॉफी को अपने घर। चार रन मिंटो सर के लिए टीपी, और देखते हैं गोल पे चार रन। और ये देखिए यहाँ पर शॉट बॉल, और यहाँ पर ये देखिए आप भी देख सकते हैं मिंटो सर के लिए टीम जीत चुकी है फाइनल, देख सकते हैं आप जोश जीता। यहाँ पर देखिए सर बहुत ही तगड़ा मैच, फाइनल जीतते हुए हमें मिंटो सर के लिए मैच जिताते हुए अपनी टीम को, पहली बॉल पर छक्का खाया था फिर भी मैच जिता दिया यहाँ पे। तो नई टीम बहुत अच्छा खेली, दूसरी टीम भी बहुत अच्छा खेली पर उसके लिए हार्ड लक, बता दूं दूसरी टीम भी बहुत अच्छी थी, हार्ड लक तो जब खेलेंगे तो एक तो जीते ही जीतेगा, दूसरी टीम भी बहुत अच्छा खेली अपनी, बहुत ही तगड़ा फाइनल मुकाबला ये। ये देखिए अपने सोहेल भाई भीड़ से देख सकते हैं आप इस मैच को देखने के लिए कितनी आई है, कुछ कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ इस मैच को देखने के लिए। ये अपने इमरान भाई और सोहेल भाई एम्पायरिंग कर दी इस मैच में, मैं बता दूँ बहुत सीनियर प्लेयर हैं ये हमारे दोनों टीमों के बीच, मिंटो सर्किल और एकेडमी के बीच फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों ने बहुत कोशिश की और बहुत ही रोमांचक मुकाबले के साथ संख्या में मैच को देखने आए हैं भाई। कि ये अलीगढ़ कॉलेज की हिस्ट्री में पहला मैच इस तरह से हुआ है, वो हमारे बहुत तगड़ा फाइनल खेला गया था यहाँ पे, तो मिंटो सर्किल की टीम जीत चुकी है फाइनल। कहें बच्चों से मोटिवेशनल लिपी क्रिकेट अकेडमी इधर आ जाओ, और बेस्ट बॉलर आज भी तो पार्ट ऑफ गेम है बता दो सर, बहुत बहुत डाल देते हैं। और मैं और आज भी हमारे जो डिपार्टमेंट के दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, दिल को जीतने वाला आज मैच खेला है दोनों टीमों ने, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तगड़ा फाइनल, और ये सीखने का टाइम है आज का सबसे तगड़ा मैच वाला, इससे पांच सौ रूपए बहुत तगड़ी बैटिंग करी थी, पांच सौ रूपए इन्होंने पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।